यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कथनुसार हर साल दुनिया भर में सिर्फ कीड़ों से फसलों को लगभग 220 बिलियन डॉलर यानी भारत रुपए में कहें तो लगभग 18 अरब रुपए से भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि वैश्विक उपज का लगभग 20-40% हिस्सा होता है। पर आज के समय में कीड़ों की यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से एडवांस हो चुके हैं। वजह है वातावरण में हो रहे चेंजेस। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल, तरह तरह की हानिकारक गैसेस, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, इनकी वजह से इनकी जीन्स में इतना परिवर्तन आ चुका है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ कुछ समय पहले तक जिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इन्हें मारने व भगाने के लिए किया जाता था, अब उससे ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सभी देशों के लिए बनी आफत भारत जैसे देश को कैसे छोड़ सकती है? मार्च 2019 में रिसर्च गेट के पेस्ट इंसेक्ट पर दिए अपने आर्टिकल में उन्होंने ये कहा है कि भारत को हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी वजह से लगभग 8.6384 मिलियन रुपीस यानी कि लगभग 88 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि एक अच्छी खासी मोटी रकम है। बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है जो मेनली कृषि पर आश्रित रहता है। लगभग 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या को संभालने के लिए व इसकी भूख को शांत करने के लिए कृषि पर हमेशा से दबाव बना रहता है, जिसके कारण किसान भी उन्नत बीजों, गहन कृषि, अच्छी व ज़्यादा फसल के लिए बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ हद तक ज़रूरी भी है ताकि सबकी ज़रूरतों को समय रहते पूरा किया जा सके। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी बाधा बन के खड़े हो जाते हैं ये खतरनाक पेस्ट इंसेक्ट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ तबाही करना जानते हैं। ढोरों की धरती पर एक बार फिर टिड्डी दल को लेकर खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीर राजस्थान के जालौर जिले की, जहां सरसों की फसल को टिड्डी दल चट कर रहा है। भारत की फसलों की बर्बादी में कई सालों से टिड्डों ने अपना दबदबा बना रखा है। ये अचानक से आते हैं और करोड़ों का नुकसान करके फिर से अगले देश की ओर चल पड़ते हैं। इन्हें रोका जाए तो जाए कैसे? करोड़ों की आबादी को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक कुछ हल निकलता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। पर बर्बादी के सताज से ये ताज छिनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इनकी जगह एफर्ट्स ने ले ली है। 2020 में एफर्ट्स पे दिए एक आर्टिकल के अनुसार न्यूज़ 18 ने ये कहा है कि भले ही कई दशकों से टिड्डों ने भारत में आतंक मचा रखा है, पर अब इनकी जगह स्मॉल इंसेक्ट ने ले ली है, जिनके सामने जो भी आता है उन्हें ये पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। आप इस पाई चार्ट से इसे आसानी समझ पाएंगे, जिसमें अलग अलग फसलों पर कीड़ों के हमलों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज एफिडेट यानी एफिड्स का है। अगर आप एक किसान हैं तो इसे आप बखूबी जानते होंगे। नाक में दम करने वाली इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई इसे लाही कहता है तो कोई इसे माहू, कई नाम है इसके, पर काम सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ तबाही करना। रस चूसने वाले सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट्स आकार में चींटी से भी छोटे होते हैं। पूरे विश्व में इनकी 4000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती है। इनके खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साइंस डायरेक्ट ने अपनी रिसर्च में यह कहा है कि भले ही एफिड्स, टिड्डो, जियोमेटिक मोड्स, वीवर्स से तादाद में कम है, पर यह उससे ज्यादा खतरनाक है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो इनकी कुछ स्पीसीज कुछ ही घंटों में लाखों की तादाद में बच्चे पैदा कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जन्मजात उभयलिंगी होते हैं, यानी बिना किसी संगी साथी के अकेले खुद ही बच्चे पैदा करते हैं और देखते देखते अरबों की सेना तैयार कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है। इनकी आते ही पौधे की शामा शुरू हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ के मुड़ने लगती है, पूरे पौधे पर काली मीठी काली जम जाती है, जो कि बेसिकली हनीड्यू होता है। चारों तरफ चींटियों की लाखों की सेना आपके पूरे पौधे को कवर कर लेती है और देखते देखते फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हताश और निराश चेहरे नजर आते हैं। पर कुछ सिंपल टिप्स को अप्लाई करके आप इनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अगर एफिड्स की संख्या कम है तो आप सिर्फ इन्फेक्टेड पार्ट को तोड़ के निकाल दीजिए। पानी के तेज प्रेशर से भी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, हेल्पिंग इंसेक्ट की मदद ले सकते हैं और होममेड नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी फसल तो बचेगी साथ साथ नेचर भी बचा रहेगा। पर अगर पूरी फसल पर ही इनका हमला हो जाए तब कम समय में आपको सिर्फ पेस्टिसाइड ही है जो बचा सकते हैं, क्योंकि तब तक नॉर्मल तरीके किसी काम के नहीं रह जाते। समस्या भले ही थोड़ी बड़ी है पर समाधानों की कमी नहीं। अगर समय रहते प्रयास किए गए तो बचाव संभव है। सो अगर आज किस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। सो रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।